हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज से हम 11th क्लास की जो अकाउंटेंसी है उसकी स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो 11th क्लास की जो स्टडी है वो आपकी 12th क्लास की स्टडी का बेस है, ठीक है। सो बड़े ध्यान से समझना है, फिर वो कोई भी चैप्टर हो, टॉपिक्स हो या कॉन्सेप्ट हो, हर एक चीज को बारीकियों से समझना है, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना है। क्योंकि अगर आप 11th की स्टडी अच्छे से कर लेते हो तो जो 12th की स्टडी है वो आपकी इजी हो जाएगी, समझ गए। और दूसरा, हो सकता है आपको स्टार्टिंग के कुछ डेज में आपको जो वर्डिंग है वो एबनॉर्मल लग सकती है, ठीक है, थोड़ी अजीब वर्डिंग लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी नॉर्मल हो जाएंगी। तो पेशेंस रखना है, ठीक है, कुछ एक दिनों में ही आपको बहुत अच्छा समझ में आने लगेगा, बड़े ध्यान से समझना। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने चैप्टर नंबर 1 लिया है, चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग का हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे। सो सबसे पहले हम अकाउंटिंग का मीनिंग समझेंगे कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, किस चीज का सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। यानी अकाउंटिंग का मीनिंग क्या हुआ, ठीक है, अकाउंटिंग मीनिंग ही अपने आप में एक प्रोसेस, अपने आप में एडवांटेज, फंक्शन, ऑब्जेक्टिव, सब कुछ इस मीनिंग में ही क्या है, इन्वॉल्व है। यानी अगर आप मीनिंग को ठीक से समझ लेते हो तो मेरा मानना है जो करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, जो इसके फंक्शंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, एडवांटेज हैं, ठीक है, वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। बड़े ध्यान से समझना है, एक एक हम इसके मीनिंग को इन द फॉर्म ऑफ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो ये जो मीनिंग है वो आपका क्लियर हो जाएगा। देखो करेक्टरिस्टिक्स हम पढ़े तो इसमें क्या है, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, उसमें भी हमने कहा था कि सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, वो सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी मेजरिंग करते हैं, ठीक है, मनी की फॉर्म में उनको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, फिर उनको क्लासिफाई करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज में, समराइजिंग करते हैं उनकी, यानी समरी तैयार करते हैं, इंटरप्रेटिंग उनको एक्सप्लेन करते हैं, उनको इस फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं ताकि वो अंडरस्टेबल हो, ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज है उनके समझ में आ सके, एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टी, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज है उनको ये जो कुछ भी हमने किया है ये उनको क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम करेक्टरिस्टिक्स से, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, यानी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड है, इवेंट्स का मतलब क्या होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन हमने की उससे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्या उसका क्या रिजल्ट रहा, तो उस रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं, राइट। तो जितनी भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या फिर इवेंट्स है उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, यानी जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उन्हीं को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। जो नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन है या जो ओनर की जो प्राइवेट ट्रांजेक्शन है, जो उसकी पर्सनल ट्रांजेक्शन है, उनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सपोज करो ओनर ने अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए क्या बर्थडे गिफ्ट दिया, ठीक है, और वो पैसा भी कहां से लिया, बिजनेस से लिया, तो वो ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, हम उसको बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। हम जो ट्रांजेक्शन बिजनेस की है, यानी हमने रॉ मेटेरियल परचेज किया, बिल्डिंग परचेज की, मशीनरी परचेज की, किसके लिए, बिजनेस के लिए, तो वो ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड है, उन्हीं ट्रांजेक्शन को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। सपोज करो ओनर ने टेबल परचेज की, लेकिन टेबल उसने किसके लिए परचेज की, अपने घर के लिए परचेज की, तो उस ट्रांजेक्शन को हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है। कौन सी ट्रांजेक्शन को फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहेंगे, टेबल परचेज की, लेकिन वो किसके लिए, ऑफिस के लिए परचेज की, बिजनेस के लिए परचेज की, तो उस ट्रांजेक्शन को हम क्या कहेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहेंगे, उस ट्रांजेक्शन को बिजनेस में क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें यही आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्रांजेक्शन बिजनेस रिलेटेड है या बिजनेस रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ओके। मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन, और जो ट्रांजेक्शन हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, हमने मान लिया कि ये कोई ट्रांजेक्शन है, ठीक है, उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, फिर हम उसको मनी की फॉर्म में क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। सपोज करो हम यहाँ पे कहते हैं कि हमने 10 टेबल्स परचेज की, कितनी पर टेबल, 10 टेबल परचेज की एंड 2 चेयर्स परचेज की, 2 चेयर्स परचेज की,
ठीक है, लेकिन हमें इनका कोई प्राइस गिवन नहीं है, कोई अमाउंट गिवन नहीं है, तो इस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हमें किस तरीके से गिवन है कि हमने 10 टेबल परचेज की और 2 चेयर परचेज की रुपीज 10,000 रुपीज की, कितने रुपीज की परचेज की 10,000 रुपीज। सो अब हमें उनकी अमाउंट गिवन है ना कि वो 10,000 रुपीज की परचेज की, तो इस ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। समझ गए, यानी जिन ट्रांजेक्शन को मनी की फॉर्म में मीजर कर सकते हैं उन्हीं ट्रांजेक्शन को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, या ये कहें कि जो भी ट्रांजेक्शंस हैं उनको मनी की फॉर्म में हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है उनको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि वो मुझसे 10 रुपए लेकर चला गया, वो मुझसे 10 रुपए लेकर चला गया, मुझे समझ में ही नहीं आया कि वो मुझसे ले गया या मुझको दे गया। कोई भिखारी मुझसे 10 रुपए ले गया, वो जो 10 रुपए लेके गया, जो मैंने उसको डोनेट किया, 10 रुपए जो डोनेट किए हैं, ठीक है, जो 10 रुपीज जो डोनेट किए हैं, उसको तो उस 10 रुपीज को तो मैं रिकॉर्ड कर सकता हूं, लेकिन वो मुझे लाखों करोड़ों की दुआएं दे गया, विशेष दे गया, ठीक है, तो उन उसकी बेस्ट विशेष को, उनकी उसकी दुआओं को मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि जिन ट्रांजेक्शन को हम मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं उन्हीं ट्रांजेक्शन को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, या हम कहें कि जो भी आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन है उनको मनी की फॉर्म में हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ओके, नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग, फिर उन ट्रांजेक्शन को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। कैसे रिकॉर्ड करेंगे हम उन ट्रांजेक्शन को, देखो जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन होगी तो हमारे पास अकाउंटिंग में क्या एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, उस सिस्टमेटिक प्रोसेस के अंडर ही हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। So, सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे उसको बोलते हैं हम जर्नल। देखो अगर आप ये सब कर लोगे ना, ये मीनिंग समझ लोगे, ये करेक्टरिस्टिक समझ लोगे, तो सब कुछ इसी में इन्वॉल्व है, फंक्शंस, एडवांटेज, ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसेस, ठीक है, इसको ध्यान से समझ लो, फिर आगे के जो टॉपिक्स है वो आपको इजीली, आपको नॉर्मली पढ़ के ही क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो देखो जर्नल, सबसे पहले जहां हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं जर्नल, ठीक है। यहां पे जो भी ट्रांजेक्शन होगी तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, या बिजनेस का साइज अगर बड़ा होता है तो ये जर्नल की बजाय हम इसको किस में रिकॉर्ड करते हैं, सब्सिडरी बुक में, किस में रिकॉर्ड करते हैं, सब्सिडरी बुक्स में। यानी जब बिजनेस का साइज बड़ा है, जब बिजनेस का साइज लार्ज है, तो एक ही बुक के अंदर सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है। मान लिया कोई भी हमने ये एक मान लिया, ये हमारे पास एक बुक है, ठीक है, इस बुक के अंदर, ठीक है, इस बुक के अंदर जो भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे, तो उसी ट्रांजेक्शन उसी बुक को हम क्या कह रहे हैं, जर्नल कह रहे हैं। इस सबसे पहले जो भी ट्रांजेक्शन होगी इस बुक में रिकॉर्ड की जाएगी, ठीक है, और किसकी फॉर्म में, एंट्री की फॉर्म में रिकॉर्ड की, ये बताएंगे आगे चैप्टर्स आएंगे तो क्लियर करेंगे, ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, जर्नल कहेंगे। लेकिन अगर बिजनेस का साइज लार्ज है तो सिर्फ एक ही बुक के अंदर ट्रांजेक्शन को जो रिकॉर्ड करना वो पॉसिबल नहीं है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या है उसको, इसको रख देता हूं मैं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर कर लेते हैं, यानी डिफरेंट क्या प्रिपेयर कर लेते हैं, बुक्स प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। जिन सब्सिडरी बुक्स में क्या क्या हो सकती है, कैश बुक, यानी जो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद परचेज बुक, हमने कोई गुड्स परचेज किया तो वो परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं, हमने कोई गुड्स सेल किया तो वो किस में रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो इस तरीके से डिफरेंट बुक्स प्रिपेयर कर लेती है कंपनी अपने साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है, जरूरी नहीं कि हम जो बताएं वही, वो अपनी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, अपने साइज के अकॉर्डिंग इन बुक्स को कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो या तो जर्नल में रिकॉर्ड की जाएगी ट्रांजेक्शन सबसे पहले, या कहां रिकॉर्ड की जाएगी, सब्सिडरी बुक्स में, ठीक है। तो हम उन ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। क्लासिफाइंग, ठीक है, जर्नल के बाद या सब्सिडरी बुक्स के बाद ये जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो किसमें ट्रांसफर की जाती है, लेजर में ट्रांसफर की जाती है, किसमें ट्रांजेक्शन, लेजर के अंदर, ठीक है। लेजर का मतलब हिंदी में बोलते थे खाता बही, यानी मान लिया कि ये मेरे पास कोई बुक है, सॉरी, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, कोई बुक है, ठीक है, जिसको मैंने नाम रख दिया लेजर, क्या नाम रख दिया, इसी बुक का मैंने नाम रख दिया क्या, लेजर, ये आपके सामने रख दिया, ठीक है, यही क्या है, लेजर है, ठीक है।
तो लेजर का मतलब क्या होगा? लेजर का मतलब वो बुक जिसके अंदर सभी अकाउंट्स हो, ठीक है, मोहन का अकाउंट, सोहन का अकाउंट, रोहन का अकाउंट, बिल्डिंग का अकाउंट, मशीनरी का अकाउंट, फर्नीचर का अकाउंट, कैश का अकाउंट, बैंक का अकाउंट, जिसमें सारे अकाउंट्स का रिकॉर्ड रख रहे हैं, उसी बुक को हम क्या कहेंगे? लेजर कहेंगे। क्लियर है सबको? सो इस लेजर के अंदर क्या किया जाता है? लेजर के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन है उनको क्लासीफाई किया जाता है। क्या किया जाता है? क्लासिफाई, यानी जो इनकम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उनको एक जगह, सपोज करो यहां पे सारे इनकम के जो अकाउंट्स हैं वो एक जगह हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, जितने भी इनकम के हैं, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो भी इनकम है हमारी, एक्सपेंसेस हम एक साइड रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, इसी तरीके से जो भी हमारी असेट्स है उनको अलग रिकॉर्ड करेंगे और लायबिलिटीज को, तो हम उनको क्लासिफाई कर देते हैं, यानी अलग अलग कैटेगरी में क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं सारी ट्रांजेक्शन को, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्लासिफाइंग। समराइजिंग, समराइजिंग का मतलब क्या होगा? समराइजिंग का मतलब ये होगा कि जो भी हम ये जो लेजर में जो अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी समरी प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, समराइजिंग, समरी का मतलब पता है ना आपको, समरी क्या होती है? समरी का मतलब होता है, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, ठीक है, कि कोई भी चैप्टर आपको गिवन है उसको शॉर्ट फॉर्म में उसका कंक्लूजन प्रिपेयर करना या उसकी शॉर्ट फॉर्म प्रिपेयर करना, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को क्या कहते हैं? समरी बोलते हैं। तो समराइजिंग का मतलब भी यही है कि जो भी हम लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो बैंक अकाउंट, कमीशन अकाउंट, सैलरी अकाउंट, जो भी अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी समरी प्रिपेयर करते हैं, यानी लास्ट में जैसे सपोज करो हम कैश अकाउंट प्रिपेयर किया, क्या प्रिपेयर किया? कैश अकाउंट, तो हमारे पास हो सकता है ड्यूरिंग द पीरियड हमारे पास बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो सकती है, सैकड़ों हजारों लाखों ट्रांजेक्शन हो सकती है, लेकिन लास्ट में हमारे पास कितना कैश का बैलेंस बचा, हमारे पास लास्ट में जो कैश का बैलेंस बचा सपोज करो 80,000 रुपीज हमारे पास बचा है, ठीक है, तो ये 80,000 इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो भी अकाउंट है उनकी हम क्या कर लेते हैं? बैलेंसिंग करके उनका रिकॉर्ड निकाल लेते हैं, उनका बैलेंस निकाल लेते हैं कि कैश का बैलेंस इतना, बैंक का बैलेंस इतना, मशीनरी का बैलेंस इतना, क्रेडिटर्स का बैलेंस इतना, तो जितने भी एक्सपेंसेस, इनकम, असेट्स, लायबिलिटी, जितने भी अकाउंट्स हमने प्रिपेयर किए हैं उन सबके क्या निकाल लेते हैं? हम बैलेंस निकाल लेते हैं, ठीक है, यानी हम क्या करते हैं? उनकी समराइजिंग करते हैं, उनका उनका कंक्लूजन जो है वो हम निकाल लेते हैं, समझ गए, ठीक है। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, और जो भी डेटा है, जो भी हमने जो भी ये डेटा तैयार किए हैं, रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है, इनको हम क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं कि हमारा प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो क्यों हुआ, उसके हम पॉजिटिव पॉइंट्स हम ढूंढें, ठीक है, और प्रॉफिट को बढ़ाएं, या लॉस हुआ तो किन रीजन से हुआ, और उनको इंटरप्रिटेट, यानी उनको उन डेटा को इस ढंग से प्रेजेंट किया जाता है ताकि वो जो भी इसके यूजर्स हैं उनको समझ में आ सके, यानी उसको अंडरस्टेबल फॉर्म में क्या किया जाता है? प्रेजेंट किया जाता है, समझ गए, उनका एक्सप्लेनेशन इस तरीके से किया जाता है ताकि वो जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको समझ में आ सके, ठीक है। ये किस किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है? ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस तरीके से हम इसके प्रोसेस में डिस्कशन करेंगे, ओके। कम्युनिकेटिंग, और जो भी हमने ये जो रिकॉर्ड तैयार किया, फिर ये जो रिजल्ट जो तैयार किया, वो जो रिजल्ट है उसको हम इंटरेस्टिंग पार्टीज को क्या कर देते हैं? कम्युनिकेट कर देते हैं। तो वो इंटरेस्टिंग पार्टीज कौन कौन हो सकती है? ओनर है, कौन कौन है? ओनर है, ठीक है, या फिर फर्म के क्या है? एम्प्लॉई है, ठीक है, सोशल है, ठीक है, समाज है जो भी, ठीक है, सोसाइटी है, ठीक है, और मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट है, ठीक है, तो ये सब है, इन ये सारी क्या होती है? इंटरेस्टेड पार्टीज होती है जिनको हम ये जो रिजल्ट है वो क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं, समझ गए। अब बात करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस की, किसकी बात करते हैं? अकाउंटिंग प्रोसेस की, ठीक है, बहुत कुछ इसी में आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एडवांटेज हैं, फंक्शंस हैं, वो क्लियर हो गए होंगे, लेकिन कुछ बच जाते हैं तो वो आपके किस में क्लियर हो जाएंगे? अकाउंटिंग प्रोसेस में। तो अब हम इसके अकाउंटिंग प्रोसेस पर डिस्कशन करते हैं कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। यही होता है, ठीक है, देखो नोट करो आप, अकाउंटिंग प्रोसेस, चाहे कोई छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, स्मॉल साइज है या लार्ज साइज है, इससे डिपेंड नहीं करता, सभी में ये साइकिल जो है वो फॉलो की जाएगी, अकाउंटिंग साइकिल, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले कोई भी ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, फिर उसको क्या करते हैं? मनी की फॉर्म में मेजर करते हैं, और फिर हम उसको क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। So, कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। कहां रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल में।
ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एंट्री। लेकिन अगर बिजनेस का साइज लार्ज है तो एक ही बुक में रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम इसको किस में रिकॉर्ड करते हैं? सब्सिडरीज बुक्स में। किस में? सब्सिडरी बुक्स में। और ये सब्सिडरी बुक्स जनरली जो होती है, पहले हम उनके बारे में डिस्कशन कर रहा हूं, ये कम या ज्यादा भी हो सकती है। सो नंबर वन, कैश बुक, यानी कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी वो किस में रिकॉर्ड होगी? कैश बुक में रिकॉर्ड होगी, ठीक है। इसके बाद परचेज बुक, कौन सी? परचेज बुक, यानी जो भी गुड्स आपने परचेज किया है, जो माल आपने परचेज किया है, ये गुड्स क्या होता है, ठीक है, ये भी हम डिस्कशन करेंगे। यानी जिस चीज का बिजनेस है कंपनी के लिए, फर्म के लिए, वही क्या है? गुड्स है, उसी को हम माल बोलते हैं, ठीक है। सो ये नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें डिस्कशन करेंगे। सेल्स बुक, यानी अगर आपने कोई गुड्स सेल किया है और वो भी क्रेडिट सेल किया है तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। परचेज रिटर्न बुक, यानी कोई भी गुड्स आपने परचेज किया उसको आप रिटर्न कर रहे हो तो किस में रिकॉर्ड किया जाएगा? परचेज रिटर्न बुक में, ठीक है, किसमें? परचेज रिटर्न बुक में। सेल्स रिटर्न बुक, कौन सी बुक? सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है, सिक्स, सॉरी, ठीक है। इसके बाद बिल्स रिसेवल बुक, बिल्स रिसेवल बुक जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जनरल प्रॉपर, जनरल प्रॉपर सबसे लास्ट में क्या प्रिपेयर करेंगे? जनरल प्रॉपर। तो जरूरी नहीं कि कोई भी कंपनी यही सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर करेगी, सब्सिडरी यानी हेल्पफुल बुक जो है, ठीक है, यही प्रिपेयर करेगी, वो इन बुक्स की जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज या डिक्रीज अपने साइज के अकॉर्डिंग कर सकती है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा जर्नल, अगर बिजनेस का साइज लार्ज है तो वो जो ट्रांजेक्शन है वो एक ही बुक में रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं कि अलग अलग कैटेगरी की बुक्स प्रिपेयर कर लेते हैं। कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन इसमें, परचेज से रिलेटेड इसमें, सेल्स से रिलेटेड, तो इस तरीके से हम उनको क्या कर लेते हैं? अलग अलग बुक प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। जनरल, जनरल के बाद या सब्सिडरी बुक्स के बाद फिर ये जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो किसमें रिकॉर्ड की जाएगी? लेजर में रिकॉर्ड की जाएगी। किसमें रिकॉर्ड की जाएगी? लेजर में, ठीक है। इसके बाद ये जो भी ट्रांजेक्शन है जनरल के बाद, ठीक है, या सब्सिडरी बुक्स के बाद, ये जितनी भी ट्रांजेक्शन है इनकी पोस्टिंग किसमें की जाएगी? लेजर में। इनमें तो ये जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की गई जनरल में वो एंट्री की फॉर्म में रिकॉर्ड की गई है, लेकिन लेजर में जो भी वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएगी वो अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा, यानी उसको अकाउंट की फॉर्म में क्या किया जाएगा? रिकॉर्ड किया जाएगा। डिफरेंट 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 अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे किसमें? लेजर के अंदर, समझ गए। हर एक चीज का अकाउंट, यानी कोई भी बिल्डिंग है, मशीनरी है, फैन है, फिटिंग है, ठीक है, चौक है, डस्टर है, मार्कर है, हर एक चीज का क्या होगा? अकाउंट होगा। वो अकाउंट, सारे अकाउंट जिसमें होंगे उसको हम क्या कहेंगे? लेजर, समझ गए। जिस बुक के अंदर सारे अकाउंट हो उसी को हम क्या कहेंगे? लेजर कहेंगे, ठीक है। फिर इस लेजर में क्या किया जाता है? इस लेजर में जो ट्रांजेक्शन है उनको क्लासीफाई किया जाता है, यानी जितने भी एक्सपेंसिस, यानी उनके कैटेगरी वाइज उनको कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। यानी इनकम सारी एक जगह रिकॉर्ड की जाएगी, एक्सपेंसेस एक जगह रिकॉर्ड किए जाएंगे, असेट्स एक जगह, लायबिलिटीज एक जगह, इस तरीके से उन ट्रांजेक्शन को क्या किया जाता है? अलग अलग क्लासिफाई किया जाता है, उनको कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो उनको क्या करेंगे? हम क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई करने के बाद, ठीक है, हम क्या करेंगे? ठीक है, हम इसके उनकी समराइजिंग करेंगे, और समराइजिंग के लिए हमें क्या करना होगा? समराइजिंग के लिए हम प्रिपेयर करेंगे ट्रायल बैलेंस। क्या प्रिपेयर करेंगे? ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है? यानी जो भी आपने जो भी अकाउंट प्रिपेयर किया है, इसमें उन अकाउंट की जो समरी तैयार करेंगे तो उनका जिस जिस का जो बैलेंस है उसकी एक लिस्ट तैयार करेंगे। जैसे क्लास के अंदर स्टूडेंट्स, मान लो 20 स्टूडेंट्स है, ठीक है, और सभी के पास 5 सब्जेक्ट है, तो उसके अकाउंटेंसी में कितने मार्क्स आए, बिजनेस स्टडी में कितने मार्क्स आए, तो इस तरीके से हम एक लिस्ट तैयार करते हैं ना, ठीक है, कि अकाउंटेंसी में स्टूडेंट्स के कबीर के इतने, मोहन के इतने, सोहन के इतने, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? एक लिस्ट तैयार करते हैं ना। इसी तरीके से ट्रायल बैलेंस में भी जो भी हमने ये अकाउंट प्रिपेयर किए इनके जो जो बैलेंस आए, कि बिल्डिंग का इतना बैलेंस, मशीनरी का इतना, फर्नीचर का इतना, तो उसकी एक बैलेंस की एक लिस्ट तैयार करते हैं किसके अंदर? ट्रायल बैलेंस के अंदर। समझ गए? समझ गए, ठीक है। तो समराइजिंग की जाती है उनको, उनको शॉर्ट फॉर्म में क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है, यानी जो भी कंक्लूजन जो आया उसको हम ट्रायल बैलेंस में क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। और फिर ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम क्या प्रिपेयर करते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या प्रिपेयर करते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं।
और क्या प्रिपेयर करते हैं, एंड बैलेंस शीट, एंड बैलेंस शीट। तो जिसको हम फाइनल अकाउंटेंट बोलते हैं, सबसे लास्ट में ये किया जाता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब कोई स्मॉल कंपनी है या लार्ज साइज कंपनी है, हर एक में इस प्रोसेस को क्या किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा, ठीक है। सो ट्रायल बैलेंस मैंने बता दिया क्या होता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को शो करता है। परफॉर्मेंस मतलब उसने ड्यूरिंग द पीरियड उसको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना कमाया, कितना गवाया, ठीक है, वो सारा रिकॉर्ड किसमें रखा जाता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट। अब जैसे सपोज करो ईयर के एंड में आप फेल हुए, पास हुए, कितनी परसेंटेज रही, कितनी, तो वही आपकी परफॉर्मेंस है ना। इसी तरीके से बिजनेस में भी परफॉर्मेंस हम किसको कहेंगे कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उसी को हम क्या कहेंगे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है बिजनेस की, वो किससे कैलकुलेट की जाती है, किससे हम कैलकुलेट करते हैं, थ्रू द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, समझ गए। और बैलेंस शीट, बैलेंस शीट से कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है कि कंपनी के पास कितनी असेट्स है, कितनी यानी किस स्थिति में है कंपनी, ठीक है, कंपनी के पास कितना खुद का पैसा है, कितना बाहर का पैसा है, ठीक है, यानी कितनी उसकी असेट्स है, कितनी उसकी लायबिलिटीज है। असेट्स का मतलब लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी उसकी क्या है, संपत्ति, असेट्स है ये। और लायबिलिटीज का मतलब जो पैसा उसने पे करना है, लाइबिलिटी कर्ज है जो उसका, बैंक से लोन ले रखा है, भाई से लोन ले रखा है, किसी से उधार ले रखा है, माल उधार खरीद के लेकर आ रहे थे, उसको क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, तो ये सारी हमारी क्या है, लाइबिलिटीज हैं, ठीक है। तो कितनी असेट्स है, कितनी लाइबिलिटी है, कितना खुद का पैसा, कितना बाहर का पैसा, कंपनी किस स्थिति में है, कंपनी की पोजिशन क्या है, फाइनेंशियल पोजिशन क्या है। तो फाइनेंशियल पोजिशन हमें किससे पता चलेगा, बैलेंस शीट से पता चलेगा। तो ये हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस होता है। फिर से इस प्रोसेस को दोहराया जाता है, फिर से कोई भी ट्रांजेक्शन होगी उसको जर्नल में रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है, जर्नल में, फिर लेजर में, फिर ट्रायल बैलेंस में, ट्रेडिंग। तो इसी तरीके से जो प्रोसेस है, जो साइकिल है, ये क्या है, ड्यूरिंग द पीरियड चलती रहती है। जो भी कोई भी ट्रांजेक्शन होगी तो सबसे पहले लेजर में, जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे या फिर सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसको बाद उसको लेजर में ट्रांसफर करेंगे डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में, फिर उन अकाउंट्स का बैलेंस निकालेंगे, बैलेंसिंग करेंगे उनकी, और जो भी कंक्लूजन आएगा उसको ट्रायल बैलेंस में प्रिपेयर करेंगे, एक लिस्ट तैयार करेंगे उन सभी अकाउंट्स की, और फिर उसके बेस पर हम क्या प्रिपेयर करेंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जिससे हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में पता चलेगा, और हमें एक्सपेंसेस और इनकम जो भी है उनके बारे में पता चलेगा कि हमारे टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, कौन कौन सी इनकम है, इंडिविजुअली हम ये एनालिसिस भी कर सकते हैं। और लास्ट में बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट में हम जितनी भी असेट्स, जितनी भी लायबिलिटीज हैं उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं कि जो हमने, हमारे डेटर्स हैं जिनको हम, जिनसे हमने पैसा लेना है, वो कौन कौन है, ठीक है, उनकी उनकी एक लिस्ट तैयार करेंगे कि इन इन लोगों से हमें पैसा लेना है, तो वो हमारी असेट्स में आएगा। लायबिलिटी जिन जिन लोगों से हमें पैसा देना है, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, वो भी इस बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो प्रोसेस है वो क्या है, चलता रहता है, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम, ठीक है, जो बुक कीपिंग है, अकाउंटिंग है या अकाउंटेंसी, ठीक है, और क्या ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज और फंक्शंस, वो आप ये इस लेक्चर को ठीक से ध्यान से समझ लोगे, ठीक है, ध्यान से सुन लोगे, इसको दोबारा सुन लेना एक बार, ठीक है, इस वीडियो को दोबारा देख लेना, तो आपके जो फंक्शंस हैं, एडवांटेज हैं या फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग है, वो सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।